स्टूडेंट चित्रांश अकाउंट में आप सभी का स्वागत है। आज अगर आप यूपी लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी की आप तैयारी कर रहे हैं तो आज आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि आप लोग सभी जो स्टूडेंट हैं वो यूपी लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी के जो एग्जाम होने वाले हैं उसकी तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे हैं, तो उसी के बारे में आज आप बताने चल रहे हैं कि जैसे कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोग का सिलेक्शन हो। तो उसके लिए हम आपको एक बुक सजेस्ट करने जा रहे हैं, जैसे कि उस बुक का नाम है चक्षु पब्लिकेशन। इस पब्लिकेशन में आपको यूपी लेखपाल से और ग्राम विकास अधिकारी के प्रैक्टिस और गाइड जो है इनकी अवेलेबल है मार्केट में, जिससे कि आप अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं। वैसे तो मार्केट में हम देखने को बहुत सारी बुक्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, लेकिन उन सभी बुक्स में देखा गया है कि जो पहले के जो सिलेबस थे उसी के सिलेबस के आधार पर वो सभी बुक्स अवेलेबल हैं, और उनको जो उनका जो पैटर्न है वो अपडेटेड पैटर्न नहीं है। तो लेकिन मैंने देखा है कि ये जो चक्ष पब्लिकेशन की बुक्स हैं वो अपडेटेड बुक्स हैं, और ये जो दिसंबर में जो अपडेटेड सिलेबस आया है इसी सिलेबस पर ये सभी बुक्स आधारित हैं, जो कि आप पढ़ करके आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन यूपी लेखपाल या फिर ग्राम विकास अधिकारी के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और आपको सिलेक्शन मिल सकता है। तो हमारी तरफ से ये सजेशन यही रहेगा कि आप इस जो चक्षु पब्लिकेशन की बुक्स है इसको आप परचेज करें, और जो अपडेटेड सिलेबस है उसी के आधार पर आपको इसमें सारे जो है पॉइंट्स दिए गए हैं, सारे चैप्टर्स दिए गए हैं, जिससे कि आपको आसानी होगी। और अगर आपको इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन और आपको अगर परचेज करना है तो आपको इसके लिए आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर के जो है परचेज कर सकते हैं। और इसके लिए कोई मेरा जो है मैं कोई पर्सनल जो है मेरा कोई प्रॉफिट नहीं, जिससे कि मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। ये बुक मुझे देखने में, इसका पैटर्न देखने में मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोग का सिलेक्शन हो सके। और मैं भी चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे आप तैयारी कर रहे हैं यूपी लेखपाल और वीडियो की, उन सभी बच्चों का ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो, इसलिए मैंने आज आपके लिए ये वीडियो मैंने पढ़ाने के पहले जो है इस वीडियो मैंने आप लोगों को बताना सही समझा। तो आप इस बुक्स का को एक बार देख करके परचेज करके आप एक बार देख लीजिए, आपको ये जो सिलेबस है और इसका जो पैटर्न है बताने का, इसमें जो पैटर्न दिए गए हैं, जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो इम्पोर्टेंट है और आपको अच्छा लगेगा। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि यदि 3 sin theta + 4 cos theta = 5 है तो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3 sin theta + 4 cos theta = 5। इसमें अगर हम साइन थीटा को देखें तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, और cos theta = क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। ओके, अगर इसको हम सॉल्व करें तो 3 sin theta को क्या ले सकते हैं, पी अपॉन एच हो सकता है, और 4 को क्या ले सकते हैं, cos theta को क्या ले सकते हैं बी अपॉन एच ले सकते हैं, इसको 2 5। ऐसे अगर लिख दें इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 3 परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, प्लस 4 बेस हो जाएगा, और अपॉन हाइपोटेन्यूस, जैसे कि एलसीएम लेकर के सॉल्व करते तो एलसीएम ले एच और एच, हाइपोटेन्यूस तो हाइपोटेन्यूस हो गया, तो 3p + 4b हो जाएगा अपॉन h = 5। तो क्या लिख सकते हैं, 3 perpendicular + 4 base = 5 हाइपोटेन्यूस, तो p से परपेंडिकुलर, b से बेस और h से हाइपोटेन्यूस। तो अगर परपेंडिकुलर को हम क्या लेंगे, 3, बेस को लेंगे 4, हाइपोटेन्यूस को लेंगे 5। तो क्या निकालना है हमको, हमको निकालनी है साइन थीटा वैल्यू, जो कि होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होती है। तो परपेंडिकुलर क्या है, 3 है, और हाइपोटेन्यूस क्या है, 5। तो क्या आ जाएगा आंसर, 3 upon 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, 3 upon 5 होगा सही। ओके, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं शॉर्ट मेथड से, जैसे मैंने बताया इस तरीके से जो रेशियो होता है साइन थीटा और कॉस थीटा, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, उसके बेस से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ये इजी मेथड है जिससे कि आपको कम समय लगेंगे इसको सॉल्व करने में। ओके, तो चलिए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गोलाकार खोल के आयतन को जिसकी बाहरी त्रिज्या आर और अंदरूनी त्रिज्या, मतलब इंटीरियर और एक्सटीरियर, एक्सटीरियर जो है कैपिटल आर से और इंटीरियर स्मॉल आर से डिनोट किया गया है रेडियस को, तो किस इसको किस फॉर्मूले की तरह
जो गोलाकार जो घोल है उसका आयतन को हम किस फॉर्मूले के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अगर गोलाकार घोल के आयतन, तो छोटे एक ये हो गया, एक अंदर ये हो गया, तो बाहर वाले का कैपिटल आर और अंदर वाले का स्मॉल आर। तो जैसे कि पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, या गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो अगर बाहर का अंदर का निकालना है तो स्मॉल आर, और बाहर का निकालना है तो कैपिटल आर। तो अगर हम यहां से लिख दें बाहरी गोले का, तो वैल्यू ऑफ स्फीयर कौन सा, एक्सटीरियर स्फीयर, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अगर ये बाहरी गोले का हो गया, इंटीरियर स्फीयर इसको 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अब इसका वैल्यू निकालना है तो क्या करें, बड़े वाले बाहर वाले से अंदर वाले को माइनस कर देंगे, तो कैसे निकालेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे, आर क्यूब माइनस आर क्यूब हो जाएगा, ओके। इस फॉर्मूले के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कौन सा हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू माइनस आर क्यू, ठीक है। इसका खोखले गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है इस तरीके से, क्या होता है, खोखले गोले के आयतन का फॉर्मूला इस तरीके से निकाल सकते हैं, और इस फॉर्मूले के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है। ये सभी जो प्रीवियस ईयर के वीडियो और जो लेखपाल के पेपर हुए हैं उन सभी में आए हुए क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से सीरियसली क्वेश्चन को सॉल्व करें, जिससे कि जो भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें अच्छे से आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सके और आपका जो मार्क्स है वो जो है बढ़ सके। तो चलिए देखते हैं आज का पहला जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खोखला गोलाकार खोल का आंतरिक एवं बाहरी सतही क्षेत्रफल क्रमशः 64 पाई वर्ग 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर तथा 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसे पिघलाकर, इसे पिघलाया गया तो 38 सेंटीमीटर ऊंचाई के ठोस शंकु में परिवर्तित कर लिया गया, तो शंकु के आधार का अर्धव्यास क्या होगा। ठीक है, एक खोखलाकार गोलाकार खोल का आंतरिक एवं बाह्य सतही क्षेत्रफल जो है वो क्या है, देखिए खोखला गोलाकार है, ये अंदर का जो है और ये बाहर का जो है, ठीक है, बाहर का ये हो गया, अंदर का ये हो गया सतह है, तो बाहर का जो है वो है 4 पाई कैपिटल R² अंदर का जो है वो हम ले लेते हैं 4 पाई स्मॉल R², क्योंकि सतह का क्षेत्रफल जो होता है वक्र पृष्ठ जिसका फॉर्मूला होता है वो होता है 4 पाई स्क्वायर गोले का, तो अंदर का जो गोला है कि अंदर का तो 4 पाई स्मॉल R स्क्वायर इसको हो जाएगा 64 पाई, पाई स्पाई कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आर क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। इस तरह बाहर का अगर देखें तो 144 पाई हो जाएगा, आर स्क्वायर इसको टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। मतलब अंदर का रेडियस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4, और बाहर का रेडियस हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसको पिघला करके एक शंकु बनाया गया, शंकु ऐसे बनाया गया जिसका हाइट तो दे रखी है कि 38 सेंटीमीटर ऊंचाई का है लेकिन रेडियस नहीं दे रखा है, तो इन दोनों का जो आयतन होगा, ठीक है, वो इसके आयतन के इक्वल होगा। तो अगर इसका आयतन निकाले, खोखले गोले का आयतन क्या होता है, हमने अभी बता निकाला था 4/3 पाई आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू इसको 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहां से पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया और 4 R³ क्या हो जाएगा, ये R³ हो जाएगा 216 माइनस इतना हो जाएगा 64 हो जाएगा इक्वल टू 1/3 और पाई कैंसिल हो गया है, आर स्क्वायर हाइट दे रखा है 38, ओके। अब इसको माइनस कर ले तो माइनस करने पे क्या आ जाएगा, माइनस करने पर 251 इक्वल टू R² 38 को इधर ले लेते हैं, इसको कैंसिल कर दिया क्या हो जाएगा 4, तो R² क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, कितनी रेडियस है 4 है, ओके। तो इसकी रेडियस क्या आ गई,
4 सेंटीमीटर आ गई, इसकी रेडियस आ गई 4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, रेडियस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने की जरूर मिले। एक दो क्वेश्चन सरफेस से रहे, मतलब मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलेंगे, जिससे कि इस चैप्टर से रिलेटेड आप हर एक क्वेश्चन को एक बार सॉल्व जरूर कर लें। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 40 लीटर यौगिक में रसायन ए 10% है, उसमें कितना रसायन ए और मिलाया जाए कि नए यौगिक में ए 20% ए 20% हो जाए। ठीक है, जो नया है 40 लीटर है, 40 लीटर में ए कितना है और बी कितना है, ए 10% है तो बाकी 90% क्या है, बी है। ये 10 हो गया और ये 90 हो गया, 1:9 का है। ठीक है, और नया जो है नया मिश्रण उसमें 40 में बताया गया है कि 20% कितना मिलाया जाए, 20% हो जाए, तो 20% ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा बी वाला, तो ये 1 और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 और 4 कब हो जाता है, मान लो 4 लीटर था, ठीक है, ये कितना था 4 लीटर, इसमें एक्स लीटर और मिला दिया और पूरा कितना था 40, तो दूसरा कितना हो गया 36 हो जाएगा। कैसे 36 हो जाएगा, 36 कैसे हो जाएगा, पूरा रसायन कितना था, पूरा कंपाउंड कितना था, 40 लीटर का था, 40 लीटर का था, 4 लीटर उसमें कौन है, बी है, ए कितना है, 1 लीटर है। ठीक है, तो बी 4 लीटर है उसमें कितना मिलाया जाए, ठीक है, ए और मिलाया जाए कि नए यौगिक में ए 20% हो जाए, तो कितना और मिलाया जाए, तो 4 में हम एक्स और मिला दिए और पूरा कितना है 36 है, तो 36 में क्या हो जाता है, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना रेशियो हो जाता है, 1:4 का रेशियो हो जाता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 36, इसको माइनस कर दिया, 36 माइनस 16 एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसको माइनस करने पर आएगा 20, 4 से डिवाइड करेंगे क्या जाएगा 5, तो कितना लीटर मिश्रण मिलाने पर, तो जो है 5 लीटर जो है और मिश्रण मिलाएंगे, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, तो कितना लीटर कि ए और मिलाया जाए, कितना लीटर ए और मिलाया जाए कि वो जो है 1/4 मतलब 20% हो जाए, तो उसमें कितना मिलाना पड़ेगा, 5 लीटर और मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसका एक और दूसरा मेथड भी है, इसको हम उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको इस तरीके से कम समय में और इसी मेथड इस तरीके से आप कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि औसत वार्षिक वर्षा 1990, 1991, 1992 में वर्षों के आंकड़ों पर 70 सेंटीमीटर, मतलब 3 साल में 70 सेंटीमीटर, में ये औसत वार्षिक वर्षा दे रखी है कि 3 साल में 3 वर्ष में कितनी हुई है औसत वर्षा, 70 सेंटीमीटर की हुई है। तो अगर टोटल वर्षा कितनी हुई है, कुल वर्षा अगर पूछे तो 70 × 3 कितना हो जाएगा, 210 सेंटीमीटर की वर्षा हुई है तीनों साल मिलाकर के। अब इसमें बोला गया है 89, 90 और 91 वर्षों के आंकड़ों पर औसत 65 और 65 सेंटीमीटर वर्षा हुई है, कौन कौन सा, इसमें जो 3 साल दिए हैं कौन कौन से हैं, 90, 91 और 92 दिए हैं, अब जो दूसरे 3 है वो 1989 और 1991 है, इसमें देखो 90, 91 इसमें भी, इसमें भी, दोनों में कॉमन है, इसमें 89 अलग, इसमें 92 अलग है। ठीक है, तो इसमें कितने 3 वर्ष में कितना हुआ है वर्षा, 3 वर्ष में हुई है 65 सेंटीमीटर, तो पूरी कितनी हुई है, कुल वर्षा कितनी हुई, 195 सेंटीमीटर, 195 सेंटीमीटर हुई है। ठीक है, तो और आगे बता रहा है कि वर्षों के आंकड़ों पर औसत 195 के लिए वास्तविक वर्षा 60 सेंटीमीटर हुई है। अब देखो 1990, 91 और 92 तीनों में मिलाकर कितना हुई है, 210 सेंटीमीटर हुई है। अब अकेले 195 बताया जा चुका है, तो अगर 195 का बताया, 1992 का बताया जा चुका है, अगर हम इसमें से 210 सेंटीमीटर से जो 1992 बताया 60 उसको माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर। ये जो 150 सेंटीमीटर आएगा वो किसका आ गया, 1990 और 91,
1990 और 91 दोनों मिलाकर के 160 सेंटीमीटर हुई है, क्योंकि तीनों में जो 1990 91 92 तीनों में 210 हुई थी, तो 92 बताया गया कि 92 में 60 सेंटीमीटर हुई है, तो 92 को माइनस कर दिया, 92 वाले 92 ईयर्स में जितनी वर्षा हुई थी उसको इसमें से मैंने माइनस कर दिया, तो अब कितने की बची, अब केवल इन दोनों वर्षों की बची, कितनी सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। अब देखो ये दोनों वर्ष इसमें भी दिख रहे हैं, अब इसमें टोटल कितना हुआ है 195, तो 195 से अगर इन 91 और 91 वाली टोटल वर्षा को माइनस कर दें तो कितना बचेगा 45, तो 45 कितनी हुई होगी 1989 में हुई होगी, 1989 निकला है तो 1989 का ही निकालना था हमको, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा 45 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इस तरीके आपको एवरेज पे बेस्ड क्वेश्चन था ये, जो कि इम्पोर्टेंट है और इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ओके, तो ये मेरा जो है लास्ट क्वेश्चन है, और इस तरीके का आपको जो एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैंने बताया आपको इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे जो भी आगे आने वाले एग्जाम है, तो इस तरीके आप क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें, और जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो वन बाय वन कराए जा रहे हैं, और ये जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए क्वेश्चन है वो भी आपको कराया जा रहा है, तो आप हमारे वीडियो किसी तरीके से देखते रहें, और उसका जो इसके पहले भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे या आई बटन मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। तो और हमारे चैनल को डेली देखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपके जो भी जानने वाले लोग हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ हमारे वीडियो हमारे चैनल को शेयर कर दें, और अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर